नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले चार शातिर ठगों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हजीरा थाना क्षेत्र के रसूलाबाद निवासी धोखाधड़ी का शिकार फरियादी महिला रानी गोस्वामी की शिकायत पर पुलिस ने हजीरा और महाराजपुरा के रहने वाले चार आरोपियों को दबोचा है। इनका एक साथी अभी फरार है। आरोपियों द्वारा अभी तक की पूछताछ में 14 लोगों के बैंक खाते खुलवाने की जानकारी पुलिस को मिली है और बैंक खातों में 50 लाख का लेन देन किया गया है। पुलिस द्वारा लेन देन के इस्तेमाल किए गए सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता लगा है कि यह लोन दिलाने का झांसा देकर फरियादियों से दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खोल लेते थे और उस बैंक अकाउंट में ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए किराए पर उठाते थे। पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी। थाना हजीरा में कुछ सूचनाएं कई दिनों से मिल रही थी, कुछ लोग जो हैं लोगों का जो बैंक खाता है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें काफ़ी पैसा पार करवाते हैं और उस पैसे को ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह की पहले भी एक दो बार इस तरह की घटनाएं कुछ आई थी, तो इसमें काम कर रहे थे हमारे एडिशनल एसपी साहब ऋषिकेश मीणा जी और साथ में सीएसपी रवि भदौरिया। इन्होंने जब हजीरा में एक महिला की जानकारी आई कि उसके जो है उसके पास में जो बैंक अकाउंट का पासबुक थी उसका जो एटीएम था वो एक लड़का ले गया, उसके बाद उसने वापस नहीं किया है, तो उसकी जानकारी जब उसने बताया तो उसके अकाउंट देखे गए तो उसमें करीबन काफ़ी ज़्यादा पैसों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया, करीबन 50 लाख तक के पैसों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। और इसमें फिर जब फाइनली इसको पूरा पीछे लगे हैं इसमें, तो इसमें 5 आरोपी हमको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये लोकल के हैं जिनका काम ये होता था कि इस तरह के व्यक्ति जिनको ज़्यादा अपने अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी तो उनको वो कहते थे कुछ पैसा आपको मिल जाएगा तो हमको एटीएम वगैरह दे दें, और उनकी बेसिक जानकारी लेके कई बार एड्रेस चेंज करा के उनके अकाउंट में जो बाहर के जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे लोगों का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जो मतलब कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो, जितने समझ ना समझ भी हों और इस तरह के हों जिनके बारे में जिनसे पूछताछ करें तो कुछ जानकारी उनकी तरफ आरोपी तक नहीं जा पाए। तो इस तरह का इनका पता लगा है कि ये बिहार और उस तरफ के क्षेत्रों के लोगों के लिए ऑपरेट करते थे, और उसको पकड़ने में एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है कि साइबर फ्रॉड करने के इस तरह के भी तरीके हैं जिसमें कई बार पुलिस जो है अकाउंट वाले के पास तो पहुँच जाती है लेकिन जो अकाउंट वास्तव में ऑपरेट कर रहे हैं वो नहीं मिलते। तो ये अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे, इन अकाउंट्स को सेल करते थे जो मेन फ्रॉडस्टर हैं जो बाहर हैं हमारे प्रदेश में नहीं है, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ी सफलता साइबर क्राइम के जो एक पैटर्न है उसमें ग्वालियर पुलिस को मिली है, जिसमें थाना हजीरा में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश और हमारे रवि भदौरिया इनका बड़ा अच्छा इसमें और इनकी टीम का रोल रहा है। सर बेसिकली साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट सप्लाई करने का काम कर रहे हैं बेसिकली। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।